Welcome dear students, in special machine today we are going to do problem solving module on permanent magnet DC motor. After completing this topic you will be able to explain brushless DC motor. You will be able to explain the advantages of brushless DC motor. अगर मैं examination point of view से बात करूं तो आपके examination में brushless DC motor को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है या फिर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर भी हमने इसमें इस पर्टिकुलर जब हम एलएम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ब्रशलेस डीसी मोटर डिस्कस किया था, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर डिस्कस किया था. तो इन दोनों में से किसी को भी आपके एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करने को आ सकता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या एप्लीकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपके नेक्स्ट होने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है. तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन ब्रशलेस डीसी मोटर आल्सो गिव इट्स एडवांटेजेस. ठीक है, तो यहां पे ब्रशलेस डीसी मोटर को एक्सप्लेन करना है तो आपको पर्टिकुलर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जो हमने लर्निंग मॉड्यूल डिस्कस किया था उसे रेफर करते हुए इसका आंसर लिखना है. और आंसर का जो तरीका होगा, जो वे होगा आपको एक्सप्लेन करने का, सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे. कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे. जब हम वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर देते हैं तो फिर आप इसके एप्लीकेशंस लिख सकते हो, क्योंकि एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वर्किंग प्रिंसिपल के बाद आप इसे बता सकते हैं कि आप इसे कहां कहां पे यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा. सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, उसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेंगे और इतना डिस्कस करने के बाद आपका आंसर कंप्लीट होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर. ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये जो क्वेश्चन है लगभग ही आपका सेम है. यहां पे भी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ब्रशलेस डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन बनाओगे. देन वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन डिस्कस कर लेंगे. एप्लीकेशन बोला नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो एप्लीकेशन आप डिस्कस कर लो. ठीक है, और अगर हो सके आपके पास टाइम है थोड़े अच्छे मार्क्स के, अगर इस क्वेश्चन के लिए थोड़े भी ज्यादा नंबर अगर है तो आप उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, ये अगर आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है तो बजरते अगर जो क्वेश्चन से जो आपसे पूछ रहा है वो बस आपसे ये दोनों पूछ रहा है, उसके साथ एप्लीकेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये जो फर्स्ट थ्री पॉइंट्स हैं वो तो आपको देने ही देने हैं. एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने अपने टाइम और क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लिखना है या नहीं लिखना. So students, I hope that you have achieved the following learning outcome and now you are able to explain brushless DC motor and you are able to explain the advantages of brushless DC motor. और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऑब्वियसली उससे आंसर करोगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे. और स्टूडेंट, आई होप कि आपके एग्जामिनेशन में अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे ऑब्वियसली आंसर करेंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे.